तो फ्रेंड्स आज हम बात करते हैं कि आखिरकार ये वायलेशन होता क्या है। यार देखिए वायलेशन जो होता है वो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए अप्लाई किया है लेकिन उस पर ऑलरेडी क्या है वायलेशन है। अगर आपने वायलेशन उस समय नहीं है जब आप अप्लाई किए हो लेकिन आपने जैसे उसको अप्लाई किया है वो कुछ समय बाद उसने जो आपका मोनेटाइजेशन टूल्स है उसने आपको वायलेशन बता दिया, चाहे फेसबुक का पेज हो आपका चाहे यूट्यूब का चैनल हो। वायलेशन का मतलब ये होता है कि देखिए हर एक प्लेटफॉर्म की यार अलग अलग कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं। अगर आप वो कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करोगे तो सीधी सीधी बात है अब वहाँ पे आप उसकी जो है वायलेशन को प्राप्त करोगे। अब वायलेशन क्या होता है, वायलेशन का मतलब ये होता है सीधी सीधी बात यह है कि आपने जो क्राइटेरियाज हैं जो उस प्लेटफॉर्म के पर्टिकुलर क्राइटेरियाज हैं उनको फॉलो नहीं किया है। कम्युनिटी गाइडलाइंस कई प्रकार की हो सकती हैं, भाई क्राइम से रिलेटेड हो सकती हैं, आप चाइल्ड अब्यूज से रिलेटेड हो सकते हैं, आप अभद्रता अश्लीलता से हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड आपकी जो है यहाँ पे कह सकते हैं आपकी कम्युनिटी गाइडलाइंस हो सकती हैं। अगर आपको नहीं पता, देखिए हर एक प्लेटफॉर्म की मतलब जो है कम्युनिटी गाइडलाइंस लगभग सेम होती है, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, बस आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस पढ़ लेना है अच्छे से आप जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हो। अगर आप कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करके अपने कंटेंट को वहां पे अपलोड कर रहे हो तो आप हमेशा जो है यहां पे वायलेशन से बचे रहोगे। तो यार मेरे दोस्त मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि अगर आप अपने चैनल पर मेहनत कर रहे हो और ऑर्गेनिक भी मेहनत कर रहे हो और आप चाहते हो कि मेरा चैनल जो है लंबे समय के लिए स्टेबल रहे, लंबे समय के लिए लाइफ टाइम के लिए स्टेबल रहे और अच्छी खासी अर्निंग हो, तो मेरे दोस्त मैं आपसे एक ही बात करूंगा कि आप पहले उस पर्टिकुलर चैनल की जो है आप उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की आप कम्युनिटी गाइडलाइंस पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस पता होगा तभी जाके आप वायलेशन से बचे रहोगे। देखिए ये एक ऐसा फैक्ट है, ये एक ऐसा पड़ाव है वायलेशन का कि अधिकतर लोग अपने चैनल पर करते ही करते हैं। अधिकतर लोग चाहे वो चैनल हो चाहे आपका पेज हो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर आप जहाँ सोच रहे हो कि मैं अपने चैनल को मोनेटाइज कर लूँ तो वहाँ पे आप वायलेशन करते ही करते हो। तो मेरे दोस्त आपको इस तरीके से नहीं करना है कि आप जो है वायलेशन का जो क्राइटेरियाज है उसको ना समझो और यहाँ पे आप प्रॉपर वे में कह सकते हो लगातार अपलोडिंग कर रहे हो। देखिए आपकी मेहनत जो आप कर रहे हो कई सालों से करते आ रहे हो कई महीनों से करते रहे वो पानी मिल सकती है। पहले आपको उसको अच्छे से समझ लेना है कि अगर मैं इस तरीके की वीडियो अपलोड करूँगा तो मुझे वायलेशन तो नहीं। वायलेशन के मेन फैक्ट यहाँ पे क्राइम हैकिंग ट्रैकिंग से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी बॉम्ब बनाने का तरीका बता रहे हो तो आपका ये क्राइम में आ जाएगा। किसी प्रकार से आप यहाँ पे ऑनलाइन तरीके से किसी का धोखाधड़ी कर रहे हो, बता रहे हो कि आप कैसे किसी के अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो बगैर किसी आधार कार्ड के, बगैर किसी फिंगरप्रिंट के, बगैर किसी सिग्नेचर के, तो मेरे दोस्त यहाँ पे आप पूरी तरीके से क्राइम को बढ़ावा दे रहे हो। और ट्रैकिंग में आता है जैसे मान लीजिए आप किसी की लोकेशन को ट्रैक कर रहे हो, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, ये भी आपका वायलेशन में आता है, जो कि बहुत से लोग इसमें समझने में गलती कर देते हैं और लगातार वीडियो बनाते रहते हैं, है ना दोस्तों। तो आपको मैं बता दिया हूँ प्रॉपर वे में कि आपको ऐसा नहीं करना है। क्राइम ट्रैकिंग हैकिंग की वीडियो आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है, चाहे कोई सॉफ्टवेयर हो चाहे फेसबुक हो, आप हैकिंग ट्रैकिंग और क्रैकिंग की वीडियो बिल्कुल ही मत बनाइए। अगर आप इस तरह की वीडियोज़ बना रहे हो तो आप 110% वायलेशन प्राप्त कर लोगे अपने चैनल पर। तो इस तरीके से आपको गलती नहीं करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि वायलेशन आखिरकार है क्या और ये क्यों आता है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।